बिहार में पटना गया रेल लाइन पर जहानाबाद में आम लोगों की तेज कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। ओवरहेड बिजली तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रैक के पास पेड़ में आग लग गई। पेड़ ट्रैक पर गिर गया। लोगों ने फौरन रेलवे कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही रेल कर्मचारियों ने नियाजीपुर हॉल्ट के पास पटना से गया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। पहले इस पिणवा में आग लहरा, आग लहरने के बाद में धीरे 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 पिणवा 5 से 7 मिनट में गिर गया। फिर कोई चीज गिरिया गया तो 3 गो आवाज किया, द्राम द्राम बहुत कस कस के। हम लोग तो भाग गए उधर आवाजें सुन के। अभी ट्रेन भी बाधित है, क्या दिक्कत? बड़ी ज्यादा ट्रेन बाधित है ना। कितना देर से करीब 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 अब 1.5 घंटा हो गया। तो कैसे गिरा कुछ पता चला? अपने से आग लग के, बिजली से आग लगा, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट लगा, जो आग लगा ना हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग हटना शुरू कर दिए। जहानाबाद रेलवे स्टेशन से अधिकारियों की टीम ओवरहेड तार की मरम्मत करने और ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए मौके पर पहुंची। ट्रेन गिर गया है, वो इसी पर इसको हम लोग हटवा रहे हैं ऑनलाइन के लिए लिया जा रहा है। कैसे हुआ? अपने से पेड़ गिर गया है। ट्रेन भी बाधित है? हाँ, ट्रेन भी बाधित है। कितना देर से बाधित है सर? अब वो देखने से पता चलेगा। कौन कौन ट्रेन बाधित हुआ सर अभी? अब वो दिखा जाएगा कोई बाद में। अभी क्या काम चल रहा है यहाँ पर? वही लाइन क्लियर किया जा रहा है। नहीं, पेड़ गिर गया। हालांकि हादसे की वजह से कई ट्रेन लेट हो गई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। काफी देर से ट्रेन रुकी हुई है, सारे पैसेंजर लोग, हम लोग बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है सभी लोग को। करीब 1 घंटा से बाधित है अभी। बहुत परेशानी है, बहुत दूर जाना है, औरंगाबाद जाना है, और काफी पैसेंजर लोग अभी भी ट्रेन में बैठे हुए हैं। पानी दिक्कत है, खाने पीने को दिक्कत है, वहाँ पे रहने लाइट प्रॉब्लम, सारा चीज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओवरहेड तार की मरम्मत के लिए करीब 5 घंटे तक ट्रेन नहीं चल पाई।